हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिश व्लॉग्स। ना सुभाष श्रीनिवास। इनकी नम्बर वीडियो नाम पाकपो सूपरान स्ना रेसीपी वा नम एलान पाकल अद मरकाम नम चल सब्सक्रेबी बेल ईकोने सेलक्ट पड़को अब ना पड़े वीडियोस नोटिफिकेशन वो वा वीडियो को बारबिक्यू नेशन तर सूपरान स्ना रेसीपी पाकपर क्रिस्पी कॉर्न नम्बर वीटल तिंग्स वे रोम ईसिया मिनट्स नाम से रोम टेस्ट होटल तर डिश् वीटल रोम सुलभम एपी से अद नम्बर किट्स को रोम पिड़िया एप्ली अब ना वीडियो पटर अंज टीपूँ वीडियो स्किपन पांग अल्लियर वांग एपी से पाकल ना इं वो कॉन एड़े और फुल कॉन एड़े अल्ला तनिया सेप्रेटा प्रिची एको इतमी सेप्रेटा प्रिची एको इत्र कुछ ते वि ना सूड़ पड़को अब कुछ सूडानदमें अंस आड पड़ी आडी इदी वरटो आफ पड़िड़ कुछ साल आड पड़को साल आड पड़ी ना मिक्स पड़को इधर कुति वरपो ना वो आफ पड़े तेल नम्बर फिल्टर पड़ी कॉन मट सेप्रेटा ए फाइव मिनट्स अब विटीन तेल ना फिल्टर आन ना वो और पात्र चेंज पड़े इतक वो स्पून अल्वक कॉर्नफ्लोर आड पड़को स्पून अल्वक अरसि मैं आड पड़े स्पून अल्वक मैदा मव आड पड़े आड पड़ी ना मिक्स पड़को इंब कॉन तेजा अन कुछ अरपदम अरपदा इत वो ना कोट पड़ोल तेल के अरपद इतकूँ कुछ पेपर आड पड़े पर आड पड़ी अल्ला मिक्स पड़को कॉन तुर वड़कटे ना फिल्टर पड़ूंगो एक्ससा मवल की कड़ा डीप फ्रे पड़े अल्वक विटको इन ना का नम्बर मिक्स पड़ी वर्न आड पड़ी आड पड़े और कॉन्स वो वे कुछ तलिए नो कॉन ना पर कुछ वेट पड़ूंगे वो ना बबल्स वर्दा अडंगी इंब एड़ा कॉन पर ना ब्रउन कलर आई कुछ गोलन ब्रउन कलर इम कॉन्स रोम ना सूपर फ्राई पड़ी एड़ताे इन मेल और मसाला कोट पड़पर अब नम्बर बाबिक्यूल को अर मीडियम सईजान परिये वंगय ना ये ना कट पड़ी कुटी कुटिया कट पड़ी वचर नम्बर फ्राई पड़ी वर्न वो पात्र आड पड़ी के आड पड़े कल स्पून अल्वक चाट मसाला कल स्पून अल्वक मिगड़ी कल स्पून अल्वक जीरकपुड़ी अब कोरियर लीव्स नम्बर कट पड़ी वोला अंत वंगय कुछ आड पड़ी के आड पड़ी ना मिक्स पड़ी के
இது கூட நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காரம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் காரம் போட்டுக்கலாம். டூ ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சிக்கோங்க. பிழிஞ்சிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு சூப்பராக பார்பிக்யூ ஸ்டைலில் ஒரு ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்நாக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைமெல்லாம் இல்லைங்க, 10 to 15 minutes தான் நமக்கு டைம் ஆகும். ஓகேங்களா, இதை நம்ம பார்பிக்யூ தான் போய் சாப்பிடணும்னு இல்லைங்க, வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இது எல்லாரோட ஃபேவரட்டுன்னு நினைக்கிறேன். மெயினாக நாங்கள் பார்பிக்யூ போய் சாப்பிட்டப்போ எனக்கும் ஸ்ருஷிக்கும் ரொம்பவே ஃபேவரட்டான டிஷ் இது. ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலான்னு ஷேர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோடு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வரைக்கும் பபாய்.